हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साहिल, हम पूरा का पूरा अपने सर पे ले लेंगे। ना ना वेद भाई, जो भी किए हैं मिलकर की अंजाम भी मिलकर ही भुगतेंगे। नहीं, हम सरेंडर कर देंगे। तुम जाओ, हम कहीं नहीं जाएंगे। बोले ना तुम्हें, जाओ तुम। बाद में दिल करे तो लौट आना, जब यहाँ सब रफा दफा हो जाए। अभी के लिए मेरे भाई जाओ यहाँ से। बस एक घंटे पहले दो भाइयों नावेद फारूकी और साहिल फारूकी ने अपनी बहन अमीना फारूकी का सर कलम कर दिया था। कैसे मानोगे तुम? इतनी देर से समझा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पड़ रहा है तुम्हारे? चुप! कैसे समझो? चुप! इतना लाड़ प्यार में तुम्हें बिगाड़ दिया। समझ नहीं आ रहा है? पूरा काम कर के मार के तोड़ के बंद किया। कुछ भी करोगी और कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। हाँ? हाथ चला रही, हम भी हाथ चला रहे। साहिल, हाथ पकड़ इसका, हाथ पकड़, सब आगे पकड़ इसका हाथ। गांव के चौपाल में अपनी बहन का सर काटकर ये दो फारूकी भाई कौन सी और कैसी वापसी हासिल कर रहे थे, ये जानने के लिए हमें 6 महीने पीछे जाना होगा। गांव काशमगढ़, उत्तर प्रदेश। अमीना, दो बाल्टी पानी और लेके आए। आप हमें ना दूसरा काम है। क्या काम है तुझे? नल के पास भीड़ लग जाएगी, जाके लेके आ। आप फिलहाल ना हमारा पानी भरने का कोई मूड नहीं है। अमीना, कहाँ जा रही है बेटा? अम्मी, आप भी ना ऐसे काम से बाहर जाते वक्त टोकना जरूरी है क्या? पर जा कहाँ रही है? एक काम है, जरूरी निपटा कर आते। सुन अमीना,
था, घर के काम से भी जरूरी कोई चीज होती है क्या? अच्छा कहिए, जल्दी कहिए। जा अशरफ भाई की दुकान पे जा, वहाँ से 1 किलो दाल और 2 रुपए के मेथी दाना और हाँ 1/2 किलो सेला चावल लेके आना, ठीक से तुलवाना। और ये ले, पैसे गिन कर देना, संभाल के जा। अम्मी लाइए। अम्मी, मैम साहब को जरा 2 बाल्टी पानी लाने के लिए कह दीजिए, हम कहते हैं तो इनका मूड छूट बीच में आ जाता है। अरे मेरी प्यारी आपा जान, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह अच्छे खासे हाथ पैर दिए, 2 बाल्टियां तो यूं ले आएंगी आप नहीं? अमीना, ये ले, ये तुम्हें खाना दे करा। अरे अमीना, अब ऐसा मुंह क्या बना रही है बेटा, ये तो मेहनत करने के दिन है ना, जा जाते हुए ये भी दे आना। हाँ भाई, मेहनत ही करने की तो उम्र है, और कुछ बचा है? जा जा। वहीं रख दे। खा लीजिएगा, ठीक है, हम जा रहे हैं। हाँ। खुदा हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज। नावेद भाई, इसके पैर नहीं पंख हैं, जब देखो तब उड़ती रहती। सही कह रहे हो, पता नहीं किस बात की इतनी जल्दी रहती है इसे, खुद पूरे दिन तितली की तरह यहाँ वहाँ उड़ती रहती है और पूरे घर को भी नचाती रहती है। हाँ, 50 रुपये हो गया। अरे आ रहा हूँ मियाँ, आ रहा हूँ, थोड़ा सब्र तो करो यार। ठीक है शाकिर जी, दुकान का ध्यान रखना, आता हूँ। कहो क्या चाहिए? 1 किलो मसूर की दाल, 1/2 किलो सेला चावल और 2 रुपये की मेथी दाना। ऐसे क्या घूर रही हो, आंखों से चीर दोगी क्या? अरे मेरे हीरो, तू परमिशन दे देना तो कच्चा चमा जाऊं तुझे कोफ्ते की तरह। कर बेशरम, कहीं भी ये ले। अच्छा अम्मी से बात की? हाँ की। तो कब आ रही हमारे घर? पहले तुम्हारे अब्बू से बात करेंगे, उसके बाद तुम्हारे घर आएंगे। अब तक क्यों नहीं आई? आ जाएंगे। देखो शकील, में हम हमारी ट्रेन नहीं छूटने देंगे। हाँ, आज शाम तक का वक्त है आपके पास, आपकी अम्मी हमारे घर पर रिश्ता लेकर आ जानी चाहिए, वरना हम खाने पे अब्बू से कह देंगे कि तुम्हारी अम्मी से हमारे रिश्ते की बात कर ले, बस समझ गए ना? अमीना, अमीना सुनो। अब्बू, अब्बू क्या हुआ? अमीना, गांव में जलजला जलजला आ गया क्या? अब्बू आप शकील की अम्मी से कब बात करेंगे? अब्बू जवाब क्यों नहीं दे रहे हमें? अरे बात करेंगे, लेकिन पहले उनको बात करनी पड़ेगी ना। हाँ तो इतवार को आ रहे हैं वो लोग घर पे। तुझे किसने बताया? अब्बू हम बता रहे हैं ना आपको, वो आ रहे इतवार को घर पे। देख अमीना, तू बड़ों के बीच में ना पड़े तो अच्छा है। अरे कैसे ना पड़े अब्बू, मतलब आप लोगों के पहले आपके चक्कर में हमारी गाड़ी छूट गई तो? अब्बू हमें ना बूढ़ी दुल्हन नहीं बनना, और वैसे भी आप सब तो जानते हैं ना कि बचपन से हमारा दिल कितना जुड़ा हुआ है शकील के साथ, तो बस निकाह तो हम उन्हीं से करेंगे। बेटा वो सब ठीक है लेकिन। हाँ तो बस अप्पू, इतवार को वो लोग हमारे घर पर आ रहे हैं ना, तो आप सारी बातें कर लीजिएगा और निकाह की तारीख तय कर लीजिएगा, बस हम ये बात जाकर अम्मी को अभी के अभी बता देते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अमीना, अरे ऐसे कैसे? अमीना, अमीना थोड़ी हया रख बेवकूफ। अरे भाभी जान, इतना तो शर्मा रहे, अब इससे ज्यादा ना हमसे नहीं होगा। वो देखिए जीनत मैडम को, बेचारी जल भून के ना राख हुई जा रही है। नहीं अब चाह भी ठंडी चाय पिलाएगी। हाँ अमित, क्या बेटा? पूरे 4 चम्मच चीनी भरकर डाली है मेरे हीरो। अब अमीना बेटा तुम अंदर जाओ। अब अम्मी हमें सुनना है क्या बातें हो रही है? ये बचपन से ही ऐसी है, थोड़ी सर फिरी सी। क्यों शकील मियाँ, झेल लेंगे ना आप हमारी बहन को? अरे नाविद भाई, उसकी तो बहुत प्रैक्टिस है इन्हें। मतलब हम कह रहे थे अभी रिश्ता पक्का समझे ना,
तेरे सलाह मशवरे के बिना कैसे कोई बात पक्की हो सकती है मेरी अम्मा? अरे भाई हम तो बिल्कुल रजामंद है। और रही बात शकीर मियाँ की, तो वो तो मरे जा रहे हैं हमें बेगम बनाने के लिए, तो बस और क्या चाहिए, वो तो कभी मुकरेंगे ही नहीं। तबस्सुम बहन, हमें इन दोनों के रिश्ते से कोई एतराज नहीं। बस बहन, अमीना की आपस जीनत के हाथ पीले हो जाए पहले, फिर इन दोनों की निकाह के लिए एक अच्छी सी तारीख निकलवा लेंगे। बहन आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बड़ी बहन के निकाह से पहले छोटी बहन का निकाह कैसे हो सकता है? और ये दोनों तो बचपन से खेले कूदे हैं साथ में, इनकी कौन सी गाड़ी वाड़ी छूटे जा रही है क्यों? मम्मी कहाँ जाएंगे? रमीजाबाद, तेरे चचा जान रहते हैं वहां, उन्हीं के यहाँ रुकेंगे। अमीना ने ऐसा क्यों किया? कहाँ जा रहा है तू? पता नहीं। गांव मत ही जाना, पुलिस किसी भी समय पहुंच सकती है, समझा? क्यों किया तूने ऐसा कुछ? हैं? बोलना क्यों किया? भाग जा कहीं नावेद, कहीं दूर भाग जा नावेद। कौन है लड़के? अमीना है साहब, हमारे गांव के सलीम फारूकी की बिटिया। किसने किया है साहब? वो साहब उसी के दोनों भाइयों ने मिलकर बड़ी बेरहमी से मार डाला उसको, नावेद और साहिल फारूकी। साहब वो अमीना को वहां से घसीटते हुए लाए थे। बहुत झेले तुम्हारी जिद को अमीना, बहुत ज्यादा झेल लिए, बहुत पार हो चुकी है। चलो सारी बिरादरी में खानदान का नाम गंदा कर दिया तुमने, और तुझे क्या लगा तुझे छोड़ देंगे? इतना बोले आप पकड़, इतना समझाया तुम्हें, प्यार से समझा रहे थे, तुम्हें जो समझ रहे नहीं है। इतना बोले क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारी सारी जिद चलेगी क्या? साहिल हाथ पकड़ इसका। और सबके सामने सर अलग कर दिया अमीना का। हम सब हक्का बक्का रह गए, मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। फिर नावेद ने अमीना का सर हाथ में लेकर के गांव वालों को धमकाया भी। साहब हमारी बहन ने गुनाह किया, उसको हमने सजा दी। बिरादरी की कोई और लड़की ने ऐसा किया ना, उसका भी वही ऐसा करेंगे। गांठ बांध लो ये बात। <स्थ
चलो सब अपने अपने घर, ये तो कांड हो ही गया, अब तो बवाल होगा। ये दोनों फारूक के बंधु चले कहाँ गए? बाकी के परिवार के लोग कहाँ हैं लड़की के? वो तो भाग गए सब। गांव की चौपाल पर दिन दहाड़े सबके सामने लड़की को मार डाला, सबने देखा, लेकिन किसने उन्हें पकड़ा नहीं, किसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों, पूरा गांव मिला हुआ है क्या उनसे? नहीं साहब, हमें लगा उनका निजी मामला है। कौन सा निजी मामला है? गांव की चौपाल तक घसीटा गया, फिर गला काटकर सुलझाया गया, गांव की बाकी लड़कियों को भी धमकियां दी गई, और किसने आवाज तक नहीं उठाई उनके खिलाफ? साहब हम कबूल करते हैं कि उन दोनों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन ये लड़की, ये अमीना भी ऐसी बेकार की जिद किए बैठी थी कि हाँ साहब, पूरी बिरादरी की नाक कटा रही थी, इसे घर वापस आना चाहिए था। कहां से घर वापसी होनी चाहिए थी अमीना के? अरे मैडम थोड़ा मुस्कुराओ तो सही, लड़के को ये तो लगे कि लड़की देखने आया हूं मैयत में नहीं। जाओ हमारी बिटिया आपका घर बहुत ही अच्छे से संभाल लेगी, पढ़ लिख भी लेती है थोड़ा बहुत। जैसे चीनी घुल जाती है ना दूध में, ठीक उसी तरह ये आपके खानदान में ऐसे मिल जाएगी। बहन आप पहचान ही नहीं पाएंगी कि ये आपकी बहू है या बेटी। हमारी दोनों बेटियां घर काम में बहुत मजी हुई हैं, और फिर जीनत तो खाना भी बहुत अच्छा बना लेती है। तो लियाकत भाई, हाँ समझे इस रिश्ता को, निकाह की तारीख पक्की करें। सलीम भाई, हमने तो देख ही लिया है जीनत को, जरा अपने परिवार वालों की भी राय ले लें, एक हफ्ते का वक्त दो हमें, आज ही तो देखा है, एक दिन में ऐसे थोड़ी ना होती है। अबू अब तो 4 महीने हो गए, आप लोग जीनत के लिए लड़का देखे जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। अल्लाह की मर्जी है बेटा, हर चीज का एक सही वक्त होता है। पर अबू कहीं पर ये तो नहीं लिखा है ना कि छोटी बहन की शादी बड़ी बहन से पहले नहीं हो सकती? लिखा तो नहीं है, लेकिन होता भी नहीं है, रिवायत है ये। अबू मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर बड़ी बहन का निकाह कभी हो ही ना, तो इसका मतलब क्या ये है कि छोटी बहनों का भी निकाह कभी ना हो, वो बिन भी आई रह जाए? बकवास ना कर, सब रखो, जीनत का जल्द निकाह होगा, फिर तुम्हारा भी हो जाएगा। अबू देखिए हमसे अब और नहीं होगा, हम कह दे रहे हैं कि हमारा निकाह करवा दीजिए, जीनत का जब होना है तब होता रहेगा। बेकार की जिद मत करो अमीना, जीनत से पहले शादी के बारे में सोचना भी मत, वो कभी नहीं होगी। अबू हम बात कर रहे हैं आपसे, आप एक मिनट सुनिए तो सही। अरे जमाने की ऐसी की तैसी अम्मी, हमें क्या करना है जमाने वालों से, हमें मेहंदी हाथों में लगवानी है, सफेद बालों पर नहीं। अमीना इतनी क्या खुदगर्जी है, अभी तेरी उम्र ही क्या है। अच्छा और ये धक्का नहीं उसे पना, ये ठीक है अम्मी। अरे अगर जीनत को कोई लड़का पसंद नहीं कर रहा है तो उसमें हमारी क्या गलती है, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि हमारा निकाह करवा दीजिए, फिर ढूंढते रहिएगा इनके लिए शहजादा आप। बस कर बेशरम, तुम्हारे जैसे तो नहीं है ना हम, जो किसी भी लड़के के गले पड़ जाए। ख्याल है हमें अपने अम्मी अबू और भाइयों की इज्जत का? आपको क्या लगता है आपा कि हमें ख्याल नहीं है इनकी इज्जत का? अरे क्या कर रहे हैं हम, निकाह करने की बात कर रहे हैं, थोड़ी ना कहीं भाग रहे हैं। और हमारी मानिए ना तो आप भी हमारे नक्शे कदम पर चलिए, आसान होगा सबके लिए। चल बिन मछली की तरह जो तड़प रही हो ना शोहर के लिए, वो आंख भी मिट जाएगी तुम्हारी। खुदा के लिए जुबान को लगाम दो, एक थप्पड़ मारेंगे वहीं आके तुम्हारे। हम थप्पड़? अम्मी बचपन में इसके पैर काट दिए होते ना तो ना ये पैर पिसलते ना इतनी लंबी जुबान। एक नंबर की बेहया हो गई है लड़की। बेहया तो हम ही है ना, एक तुम ही तो हो दूध की धुली हुई, पता नहीं क्या समझती अपने आप को, शायद इसीलिए हर लड़का आके ना मना कर जाता है तुम्हारे लिए। हमारे सामने चेहरे पर कुछ और, दिल में कुछ और, शायद हमें नहीं दिखती तुम्हारे अंदर की बात, पर वो लड़के देख लेते एक नजर में। अमीना! हम छोटे तो तुम हाथ उठाओगी हमारे ऊपर, हाँ तुम क्या समझती हो अपने आप को? हाँ? तुम पे हाथ, तो तुम्हारी जुबान चलेगी ना तो तुम्हारे हाथ भी चलेगा। अरे क्या बचपना है ये, बचपना हम कर रहे हैं या वो कर रही है, हाथ उठाएगी हम पर? अमीना इन सब मामलों में जोर जबरदस्ती कहाँ चलती है? क्यों नहीं चलती, हमारे घर वाले रजामंद है तो कर लेते हैं ना निकाह। देखो तुम्हारे घर वालों ने कहा है ना तुम्हें सब्र रखने को, तो रखो सब्र। क्यों रखें हम सब्र, देखो शकीर हमसे नहीं होगा, हमें दुल्हन बनना है वो भी आज,
तुम चल रहे हो हमारे साथ निकाह करने? क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो? ऐसा क्या कह दिया हमने? देखो अमीना, तुम जानती हो कि शादी निकाह दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो खानदानों के बीच होता है, और अगर अभी हमने ऐसी वैसी कोई गलती की ना तो बाद में बहुत पछताएंगे, ना तो हम खुश रह पाएंगे ना तो हमारे घर वाले, और तो और बदनामी इतनी होगी कि पुश्तों तक बू आएगी। अमीना बेटा जरा समझा करो, छोटी वाली का निकाह अगर बड़ी वाली से पहले हो जाता है तो जमाना सोचता है कि जरूर बड़ी वाली में कोई खोट है, फिर तो उसका निकाह होने जरा। और अगर वाकई में कोई खोट हो तो उसका निकाह हो ही ना, तो उसमें छोटी बहन का क्या कसूर है भाईजान? लेकिन अपनी जीनत में तो कोई खोट नहीं है ना। हाँ कुछ वक्त लगेगा उसके लिए एक ढंग का लड़का ढूंढने के लिए, और घर में दो तीन बार तो ये बात हो चुकी है ना कि पहले जीनत फिर अमीना, फिर क्यों बार बार ये बात उठा लेती हो? क्योंकि हमसे इंतजार नहीं हो रहा है। अमीना तुम एक काम करो, तुम घर के कामों में टूट पड़ो, मन लगा के घर का हर काम सीख लो, इससे एक तो वक्त गुजर जाएगा और ऊपर से तुम्हारी आने वाली जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी शकीर के साथ। पर हाँ, इस मसले पर घर में दोबारा कोई बात नहीं होगी। किसी की नहीं सुनी इसने, बस अपनी जिद पर अड़ी रही, कर दिया सब उल्टा पुल्टा। अब कल शाम की ही तो बात है। ए अमीना, ये क्या हो रहा है? हम घर छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ जा रही है? अपने ससुराल। अमीना रुको, अमीना, अमीना रुको, पागल हो गई हो क्या तुम? फिर से रोकोगी हमारा रास्ता? अब तो जाने दो हमें। हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं और तुम भी कहीं नहीं जाओगी। अब क्या नया बखेड़ा खड़ा किया इस लड़की ने? अम्मी ये कहती है शकीर के घर जाके रहेगी हमेशा के लिए, वो भी निकाह से पहले। क्या? अम्मी अपने कपड़े वपड़े भी साथ में रख लिए हैं। या अल्लाह, क्या हो गया है मेरी बच्ची को? अम्मी हम बिल्कुल ठीक है, हमारा होने वाला ससुराल है वो, वहाँ रहना हमारा हक बनता है और फर्ज भी, समझी आप? जा रहे हैं हम। अमीना तुम कहीं नहीं जाओगी, हटो काना। अमीना अरे अमीना। अम्मी हम अब से यहीं पर रहेंगे। हाँ अम्मी मैं अभी घर आता हूँ। हाँ क्या क्या हुआ जीनत? अबू अमीना घर छोड़ के शकीर के घर चली गई, उसका भेजा घूम गया। अमीना ये क्या है, मतलब तुमने तो हद कर दी है। देखो अब तुम कुछ ना बोलो, हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे। अमीना बेटा ऐसे थोड़े ही ना होता है, तुम अचानक यहाँ ऐसे, बेटा तुम एक दिन भी यहाँ रुकी तो हम दोनों खानदानों पर कितनी आफत आएगी तुम्हें अंदाजा भी है? अम्मी आप तो बड़ी है ना, आप मौलवी साहब को बुलाकर हम दोनों का निकाह पढ़वा दीजिए, और फिर मजाल है किसी की जो हमें यहाँ से जाने के लिए कह दे। देखो अमीना समझदारी इसी में है कि तुम घर वापस चली जाओ, चाहिए तो हम तुम्हें खुद छोड़ के आएंगे। लो अब्बू आ गए तुम्हारे, अपने घर चलो अमीना। अब्बू हम अपने ही घर में हैं। देख अमीना, गांव भर में हमारी थूथू हो, इससे पहले चलो यहाँ से, सगीर बाद में सामान ले आएगा। अब्बू हमें नहीं फर्क पड़ता कि गांव वाले थूथू करते हैं या वाहवाही, हम बस चाहते हैं कि आप शकीर से हमारा निकाह करवा दीजिए, बात खत्म, हम यहां से हिलने भी नहीं वाले। अमीना कहां है? माथा घूम गया है लड़की का, कोई बात मानती ही नहीं। हाय अल्लाह,
अगर गांव वालों को किसी को पता लगा कि अमीना निकाह से पहले अपने होने वाले शोहर के घर रात भर रही तो हम गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। अब तो हो गया हमारा निकाह, बदचलन लड़की की बदचलन आपा, थप्पा लग जाएगा। अब क्या करें? एक काम करते हैं, जायदा और मैं सरपंच साहब के पास जाते हैं। जावेद भाई, अब आप ही कोई सलाह दीजिए, करें तो क्या करें? सलीम भाई, आप और हम चलते हैं तबस्सुम के घर, हम बात करते हैं बच्चे से, शायद मान जाए। तुम समझ नहीं रही हो, अगर तुम एक रात भी यहाँ रुकी तो कल की सुबह हम सबके लिए काली सुबह होगी। और इस तरह तो हमारा निकाह वक्त आने पर भी नहीं हो पाएगा। अरे तो हम तो कह रहे हैं ना कि बुला लीजिए मौलवी साहब को, कर लेते हैं निकाह। हम तो अभी से कह रहे हैं कबूल है कबूल है कबूल है। नहीं मानी साहब, फिर हमने कहा सलीम से कि इसे एक दो दिन वहीं रहने देते और गांव में किसी को नहीं बताते, जब इसकी जिद का बुखार उतरेगा तो चुपचाप शाकिल ले आना। सर, ये गांव का किराने वाला है अशरफ, इसने नावेद को देखा अभी थोड़ी देर पहले मेरतुला गांव की तरफ जाते हुए। मेरतुला में क्या है? सर ये कह रहा है कि वहां पर उसका ससुराल है। एक टीम भेजो, उठा लो। सर बोरा नावेद, तेरा भाई साहिल का है नावेद, गाड़ी में बिठाओ इसे। चल अरे ये वही है ना साहिल फारूकी, मुस्तफा के खेत में जो काम करता है। हाँ, क्यों? इसे पुलिस ढूंढ रही है। ऐसा क्या किया इसने? आपको नहीं पता, इसने अपनी बहन का गला काट डाला बीच चौपाल पर। जिस दिन नावेद और साहिल ने अमीना का कत्ल कर दिया था उसी शाम को उन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया था। वो दोनों दूर तक भाग नहीं पाए थे, पर एक रात पहले जब अमीना रात भर घर नहीं लौटी तो वो रात फारूकी खानदान के लिए समझो कयामत की रात थी। खुद सरपंच जी भी फुसफुसा सकते हैं, पर उनकी बेगम मतलब वो तो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगी। हमने तो अपना मुंह तक नहीं खोला अम्मी, पर आपको बता दे वो शहनाज जो है वो आई थी, हजार सवाल पूछ रही थी कैसे अमीना बिना निकाह की अपने ससुराल चली गई वगैरह वगैरह। पता नहीं ये लड़की इतनी जिद्दी कैसे हो गई। कैसे हो गई? अरे आपके लाड़ प्यार ने अमीना को इतना सर पे चढ़ा रखा है, हर बात पे आप ही कहते थे ना छोटी है ये कहकर आपने उसकी बड़ी से बड़ी गुस्ताखियां माफ की। हम अम्मी से बिल्कुल सहमत है, आप ही ने बिगाड़ा है उसे। हाँ हाँ, सारा कसूर तो हमारा ही है, दिन में 12 घंटे घर से बाहर रहते, रिक्शा चलाते, खून जलाकर पसीना बहाते, पर तुम लोग तो घर में रहते हो ना, काबू में नहीं कर पाए उसे। हमारे गांव के बाहर एक पुलिस साहब, वहां जाकर हमने अमीना का सर नीचे नदी में फेंक दिया। हंसी अभी वहीं फेंका नदी में? जी हाँ। ड्राइवर्स की टीम भेजूंगा। सर, अगर वो अपनी जिद पर अड़ी थी तो तुम अपनी जिद छोड़ देते, बहन थी तुम्हारी। हमारी तो कोई जिद नहीं थी साहब,
उसने हमारे खानदान की नाक कटवा दी थी। अरे नावेद, तुम्हारी बहन घर वापस नहीं आई? देखो दोस्त, थोड़ा सख्ती से पेश आओ, ले आओ लड़की को घर में। वैसे भी गांव में ये बात आग की तरह फैल गई है कि लड़की रात भर घर से बाहर थी। देखो सलीम मियां, कुछ भी हो पर लड़की को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। अरे निकाह होने वाला है, हुआ तो नहीं ना, और शाकिर के घर रात भर। तौबा। देखो मियां, जमाना मर्दों का है, शाकिर पर तो कोई आंच नहीं आएगी, सारी उंगलियां लड़की पर ही उठेंगी और बदनामी उसके घर वालों की होगी। शाम को हम कोशिश करके अमीना को घर वापस ले आएंगे। नहीं अब्बू, अब आप नहीं जाएंगे, अब साहिल और हम उसे अपने तरीके से घर लेकर ही आएंगे। ना, तुम नहीं जाओगे। अमीना और तुम भाई बहन सब एक जैसे हो, गुस्से वाले, एकदम जिद्दी, मामला और बिगड़ेगा। अब्बू, जिद एक चीज होती है और बेहयाई दूसरी, और ये अमीना अपनी खुदगर्जी के झंडे गाड़ रही है। अब्बू, हमने आज तक कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे शर्म से आपके गर्दन झुक जाए, लेकिन इस अमीना ने आज वो हरकत कर दी है। और अब्बू, खुदा ना खास्ता शाकिर मुकर गया तो कौन करेगा अमीना से निकाह, और उसके चक्कर में हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। ये सारी बातें अपनी जगह बस, पर तुम नहीं जाओगे। मैं शाम को जाऊंगा और उसको समझा कर ले आऊंगा। नहीं अब्बू, इस अमीना ने अपनी हद पार कर दी है, वो सीधे तरीके से मानेगी ही नहीं। उसे साहिल और हम अपने तरीके से ही घर लेकर के आएंगे, और फिर उसे तमीज और हया की तालीम भी देनी है। चलो साहिल। चलो मीना, अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी, समझी? भाईजान, हमें नहीं आना। शकीर बोल दो ना इन्हें, हमें नहीं जाना है, नहीं जाना। कहाँ ना चलो। अमीना तुम जाओ इनके साथ। अम्मी आप कह दीजिए ना, नहीं जाना है हमें इनके साथ, में समझ नहीं रहे। अमीना जाओ बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आप लोग नहीं समझ रहे, अम्मी निकल करवा दीजिए ना, हमारा हाथ जोड़ रहे आपके, हमें नहीं जाना है इनके साथ। अम्मी छोड़िए भाईजान, अम्मी भाईजान, भाईजान छोड़िए, छोड़िए अम्मी, अम्मी बोलिए ना इनको, भाईजान ऐसा नहीं कर सकते, छोड़िए, बोले ना भाईजान, भाईजान छोड़िए हमारा, छोड़िए हमारा, बोला ना नहीं आना है भाईजान, अम्मी बोलिए इनको, भाईजान छोड़िए। हमारे लिए तो तभी मर गई थी साहब जब उसने घर छोड़ा था, हजारों औरत की तरह निकल पड़ी थी घर से, फिर भी हमने उसको घर लाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी रही साहब। अगर वो तुम्हारे लिए मर चुकी थी तो फिर क्यों गया उसके पीछे पीछे, रहने देते उसे उसी मरी हुई हालत में? ऐसे ही नहीं मार दिया सर, इसलिए मारा क्योंकि वो जिंदा लाश हमारे खानदान की इज्जत को और उछालती। उसको मार के हमें कोई वजह नहीं आया साहब, छुटकी बहन थी हमारी। इन हाथों को पकड़कर उसने चलना सीखा था साहब, उसकी पहली रोटी हमने उसे अपनी गोद में बिठा कर खिलाई थी, बहुत प्यार करते थे उसे साहब, उसके हाथ से हर जिद पूरी करते थे उसे, सबसे ज्यादा ईदी उसे मिलती थी साहब। अभी बड़ा प्यार उमड़ रहा है अपनी बहन पर, और कुछ घंटों पहले ऐसी हवानियत दिखाई। उसकी जिद साहब तो पूरी कर देते उसकी जिद, निकाह करवा देते उसका। आपके लिए कहना आसान है साहब, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये यूपी का एक छोटा सा गांव है साहब, कोई लखनऊ गुड़गांव या मुंबई नहीं, निकाह करवा देते शकीर के साथ तो उस दिन जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहती साहब, और अगर वो कुछ कर लेती अपने साथ तो? तो अब तुमने कर दिया, मार डाला अपनी छोटी बहन को। एक और रात अगर वो वहां रहती ना साहब, तो हमारे खानदान का गांव में जीना दुश्वार हो जाता, हुक्का पानी बंद हो जाता हमारे परिवार का साहब। तो इस डर से अमीना को दुनिया से ही निकाल दिया, अब थू नहीं होगी कि सलीम फारूकी के दोनों लड़के क्रिमिनल निकले। तभी तुम्हारा एक छोटा बच्चा है ना, वो क्या सुनते हुए बड़ा होगा ये नहीं सोचा? तुम्हारी बीवी, माँ, जीनत, सलीम
इन सब पर क्या बीतेगी? कुछ नहीं सोचा? नदी के जिस हिस्से में नावेद ने अमीना का सर फेंकने की बात कही थी, वहां काफी ढूंढने के बाद भी पुलिस को ना तो अमीना का कटा हुआ सर मिला और ना ही मर्डर वेपन। नावेद और साहिल की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही फारूकी परिवार के बाकी सारे सदस्य गांव लौट आए। तबस्सुम और शकीर भी अपने घर को लौटे। काफी समझाने के बाद सलीम ने अमीना का धड़ स्वीकार किया और उसे दफना दिया। नावेद और साहिल फारूकी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और मुकदमा शुरू होना अभी बाकी है। हमारी दक्षिणी एशियाई सभ्यता के लगभग सभी अंगों में ये रिवायत है कि पहले बड़ी बहन की शादी होती है और फिर उसके बाद छोटी। लेकिन क्या ये रीत, ये रिवायत पत्थर की लकीर है? माना कि समाज की रजामंदी काफी मायने रखती है। अक्सर परिवारों में, खासकर छोटे शहरों और गाँव में ये सवाल पूछा जाता है, अरे भाई बड़ी बेटी की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? लेकिन जरूरी नहीं है कि ये प्रथा चलती रहे। समय और समाज दोनों बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। शायद उस हद तक और उतनी दूर तक नहीं बदल रही है, लेकिन बदलाव रोज की हकीकत है। जब परिवार की इज्जत के नाम पर कोई अपने ही घर वाले का कत्ल करने से पीछे नहीं हटता, तब यह जरूरी हो जाता है कि रस्मों रिवाज के परे हम सब मूलभूत इंसानियत की घर वापसी की कामना करें। कल रात फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ सीआईडी के एपिसोड के बाद। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।